कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कुछ पंडित। आप देख रहे हैं यूनिश मेकर सेल्फ यूनिक। गाइस, आप सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आप सबके लिए गुरुकुल का बीआईएम का न्यू बैच लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी से। गुरुकुल के बारे में एक्सपेक्ट करता हूं कि ओल्ड यूजर्स तो सारे जानते हैं, जो न्यू यूजर्स है उनको बता देता हूं कि गुरुकुल एक 4 महीने की कंप्लीट बीआईएम की इंटर्नशिप है, जिसके अंदर बीआईएम का स्टार्ट टू एंड सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। मतलब स्टार्ट एकदम बॉटम से करेंगे और इन तक जाएंगे, जिससे सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर यूज होंगे इंडस्ट्री में, जो जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो सारे ही इसमें कवर होने वाले हैं। ये टोटल 1.5 घंटे का लाइव क्लास, 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग क्लास और 2 घंटे की प्रैक्टिस, मतलब 5 घंटे का हार्डवर्क है। सबके बस का नहीं है, इसमें काफी कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। 1 फरवरी से मॉर्निंग में 7:30 से 9 AM बैच का टाइमिंग रखा हूं। साथ ही साथ क्या पढ़ाऊंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर एक ग्रुप दिया है, जैसा कि आप सबको पता है मैं ग्रुप में एक ग्रुप बना देता हूँ चीजों का, तो इजी हो जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ बीआईएम में, जिसको भी इंटर्नशिप करना है 4 महीने का, बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ऑटोकैड पूरा सीखोगे, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट एमईपी पूरा सीखोगे, नेविस्वर पूरा सीखोगे, टेक्ला पूरा सीखोगे। ये तो मेन सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक 3ds Max, थ्री डी मैक्स के साथ स्केचअप और इनके भी सीखोगे। रेबिट में बेस्ट रेंडर के लिए, रेबिट के अंदर एस्टिमेशन सीखोगे। और ये तो रहे सब सॉफ्टवेयर, इसके अलावा स्कैन टू बीम, बीआईएम 360, उसके बाद आपको एलओडीज के सारा नॉलेज दिया जाएगा, एलओडीज क्या होती है, उसके बाद 2D, 3D, 4D, 5D के बारे में बताया जाएगा। इंटरव्यू का पूरा प्रिपरेशन इस 4 महीने में कराया जाता है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं हर वीक, उसके साथ ही साथ इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको शेयर करता हूं। और अब तक तो यही हुआ है कि जो मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए हुए हैं अपने नोट से, वो सब कुछ उसके अंदर रहते हैं। मींस आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कई लोग बोले सर इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में यही सारी चीजें पूछते हैं जो मैं पूरे 4 महीने के इस अंतराल में कराता हूं। लास्ट बैच का परफॉर्मेंस बता दूं कि क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो 30 बच्चों में से 28 बच्चे लास्ट बैच में प्लेस हो चुके हैं। 2 बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम था, दे आर वेरी कैपेबल। ठीक है, शुभम है, जय दे शादी वीडियो भी देखे वो लोग, तो वो बहुत कैपेबल है, वो जहां इंटरव्यू देने जाएंगे मुझे पता है उनका हो जाएगा, उनकी बात अलग है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग प्लेस हो गए, जिसका मैक्सिमम पैकेज था 9 लाख, एवरेज पैकेज था 3 के आसपास, 3.2, 3.8। और तो और मजे की बात है कि एक लड़की थी, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, रशिका, उसने 6 लाख का पैकेज फोड़ा है मुंबई के अंदर, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके कई ढेर सारे कंपनी में उससे सिलेक्शन हुए, कई एक दो स्टूडेंट्स तो इतने अच्छे थे, उनके कई ढेर सारे, मतलब एक हमारे एक स्टूडेंट है अभिषेक करके, उसके पास 6 कंपनियों के ऑफर लेटर थे। मतलब कुल मिला के आपको बस ये बताना चाहता हूँ, ये कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आपके लिए बता दूं कि भाई अगर बीआईएम में करियर बनाओगे तो एक बढ़िया ऑफिशियल जॉब आपके पास होगी। 9 o'clock पे मॉर्निंग में जाओगे, इवनिंग में 6 o'clock पे फ्री हो जाओगे, उसके बाद अपनी लाइफ को जियोगे। कई ढेर सारे बच्चे साइट इंजीनियर हैं, उनका दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। मेरे पास मैक्सिमम लोग कॉल करते रहते हैं, तो भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और आप सबको पता है मैं बैचेस बार बार लॉन्च नहीं करता हूँ, 3 महीने 4 महीने पर केवल 1 या 2 बैचेस लॉन्च करता हूँ। इस बार केवल 1 बैच लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब काम मेरा भी रहता है, तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग में जहां तक है मैचेस लॉन्च करने की कोशिश करता हूं। इस बार मॉर्निंग में किया है 7:30 से 9। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाना है आपको, तो आप आ जाइए, 4 महीने पूरा प्रिपेयर करके दे दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, 3D डिटेलिंग, मॉडलिंग, बेस्ट रेंडर, बेस्ट वॉक थ्रू सब सिखा दूंगा। किसी भी कंपनी में जाओगे, हम पोर्टफोलियो जैसा बनाने को बताएंगे, वैसा बना लिया, एक बार उसके टेबल पर पोर्टफोलियो रखोगे, 50% चांस है कि वहीं से आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। रिज्यूम बनवाऊंगा, रिज्यूम ETS फ्रेंडली रिज्यूम, जो कि हर जगह शॉर्टलिस्ट हो जाए, ऐसा रिज्यूम कैसे बनाते हैं ये बताया जाएगा। कवर लेटर के बारे में बताया जाएगा, किस चीज के लिए कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, बेसिक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग्स क्या क्या है, वो सब इसमें पूरा 4 महीने में रगड़ दिया जाता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी गुरुकुल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज डू कमेंट कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, सो दैट कि आपके जो जूनियर बैचेस जो अभी आप लोग आने वाले हैं, इन सबको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार कुछ तो है। एक्चुअली मैं, आप सबको पता है, अगर हम जो हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, मैं बहुत ही जेन्युइन पर्सन हूँ, आई थिंक
क्योंकि मुझे ऑनेस्टी सबसे ज्यादा पसंद है। मैं किसी को भी फेक प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि 100% प्लेसमेंट दूंगा, जबकि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं आराम से प्लेस कर सकता हूँ। बट मुझे लगता है कि जब आपको मैं ओपनिंग्स बताऊँ, आप मेहनत करके वहां पर रिज्यूम अप्लाई करो, मेहनत करके इंटरव्यू दो, तो आपको एक अलग खुशी होगी कि मैंने अचीव किया है। क्या आपको एक खुशी होगी कि मैंने अचीव किया, और मैं चाहता हूँ ये हैप्पीनेस आप ही के पास रहे। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, सॉरी। और सबसे बड़ी बात कि जैसे किसी के कैरियर में गैप आ गया है, तो ये 4 महीने की जो इंटर्नशिप है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि सामने वाला देखेगा अच्छा ठीक है इन्होंने इंटर्नशिप किया है इसलिए इनको जॉब देना प्रायोरिटी होनी चाहिए। कई लोग सोच रहे हैं सर वीडियो कोर्सेज से हमें सीखें तो गुरुकुल में क्यों आए, क्योंकि गुरुकुल की फीस तो 20,000 है, मैं बताना भूल गया, तो याद रखिएगा गुरुकुल की फीस 20,000 है, और अगर इस गुरुकुल की फी को वन टाइम पे करते हो तो 18,000 रहता है। 5,000 फी पे करके यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी सीट कंफर्म कर सकते हो, ये तो इसका रूल है। बट हम वीडियो कोर्सेज लेते हैं तो सर वो तो हमारा 6,000 हो जाता है। यस, वो वीडियो कोर्सेज से आपका मन करे तो आप वीडियो कोर्सेज से कर सकते हो, पर जो लाइव बैच होती है इसमें पूरी प्रिपरेशन जो होती है BIM की प्रॉपर मेरे गाइडेंस में होती है। ईच एंड एक एवरी स्टूडेंट्स मैंने निगरानी में पूरी की पूरी ट्रेनिंग करते हैं, क्या उनका अच्छा चल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स क्या पढ़ रहा है, प्रॉपर कैसे आंसर देना है, इंट्रोडक्शंस कैसे देना है, पूरी प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। 4 महीने मैं आपके साथ लाइव रहता हूँ, ये 4 महीने का 4.5 महीना हो जाएगा, 5 महीना हो जाएगा, बट मुझे आपको परफेक्ट बनाना है जिससे कि आप बाहर जाएं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल पाएं कि मैं BIM में जॉब करने के लिए परफेक्ट हो चुका हूँ। बस एक्चुअली मेरा ड्रीम यही है। आप सबको अगर चाहते हो कि बेस्ट ट्रेनिंग मिले, ठीक है, तो आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप इन द सेंस कि उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं प्रॉपर 1 घंटे का आपकी मीटिंग लूंगा, उसमें बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर करते हैं, कैसे कैसे ट्रेनिंग करते हैं, आपके जितने डाउट्स हैं उसी 1 घंटे 2 घंटे जो भी लगेगा हम लोग उसी में डिस्कस कर लेंगे, वहीं पर आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है। मैक्सिमम बच्चों को तो पता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से डिसीजन ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। ये मैंने BIM गुरुकुल के लिए स्टार्ट किया है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स गुरुकुल के लिए भी चाहिए तो नीचे कमेंट करना, तो उसके लिए भी टाइमिंग प्लान करेंगे क्या टाइमिंग हो सकता है। अभी सिर्फ 1 बैच लॉन्च कर रहे हैं BIM गुरुकुल का, ठीक है, 1 फरवरी को है, और सबको पता है कि 25 से ज्यादा स्टूडेंट तो मैं लूंगा नहीं, तो 25 स्टूडेंट जल्दी जल्दी से रजिस्टर कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे पता है कि फीस बाद में सीट कम पड़ती है, कई लोग को बाद में वापस करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट फैक्ट यही है कि 25 बच्चों में जल्दी से एडमिशन ले लेना। चलिए, जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ मेरा ये काम आपको कैसा लग रहा है, मैं लोगों को जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पैशनेट है उनको उठा रहा हूँ, और उनको उठा के पूरी प्रिपरेशन करा रहा हूँ, करा के इंडस्ट्री के तरफ लेके जा रहा हूँ। यही एक्चुअली मेरा एम है कि मैं उनको एज अ ब्रिज वर्क करना चाहता हूँ उनके साथ, कि अगर उनका स्टैंडर्ड यहाँ है या फिर यहाँ है या फिर और नीचे है, मैं उनको उठा के पहुंचा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पहुंचो। तो ये तो मेरा पैशन है, इसकी वजह से मैं इसको कर रहा हूँ। आपको मेरा ये काम कैसा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना। चलिए, जय हिंद जय भारत।